जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईपीएल 2019 के पहले दो हफ्तों का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। पहले दो हफ्तों में कुल 17 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कार्लोस ब्राथवेट के आने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स और भी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। कोलकाता बनाम हैदराबाद के इस मैच में कोलकाता के दो खिलाड़ी कोलकाता को अपना पहला मैच जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनमें पहला नाम आंद्रे रसेल का है। आंद्रे रसेल आईपीएल में सबसे ज़्यादा खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। आंद्रे रसेल अपनी गेंदबाजी से ज़्यादा अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला मैच जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुनील नरेन का नाम आता है। सुनील नरेन अपनी धारदार गेंदबाजी के साथ साथ ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी करते हैं। ये खिलाड़ी भी कोलकाता को पहला मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अगर बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हैदराबाद को अपना पहला मैच जिताने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनमें पहला नाम राशिद खान का है। राशिद खान ने आईपीएल में अपने ज़बरदस्त प्रदर्शन से अपना अलग ही मुकाम बनाया है। अगर पहले मैच में राशिद खान का जलवा दिखता है, तो कोलकाता को पहला मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद के धाकड़ खिलाड़ी यूसुफ पठान हैं। अगर पहले मैच में पठान का बल्ला चलता है, तो हैदराबाद को पहला मैच जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स में से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।